जो आप कैसे हो। आज मैं आपको, हमने पहले वीडियो में फैक्टर किया था, थर्ड चैप्टर था प्लेइंग विद नंबर्स। आज हम इसमें करेंगे मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है, किसी भी चीज की, चाहे वो मैथ्स हो या कुछ भी हो, उसके पहले इंट्रो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें आगे क्या करना है। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तभी आप आगे की सम करोगे। आज मैं करवाऊंगी आपको मल्टीपल थर्ड यूनिट के रूल्स। कहता है मल्टीपल मीन्स द टेबल ऑफ गिवन नंबर। क्या करना है, टेबल। टेबल कोई मेज कुर्सी नहीं, टेबल मतलब जो हम पहाड़ा जिसको हिंदी में बोल देते हैं, टू का टेबल, टू वन्स आर टू, टू टूज आर फोर। कहते हैं मल्टीपल मीन्स द टेबल ऑफ गिवन नंबर। अब किसी भी, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, चाहे सिक्स ले लो, फाइव ले लो, फोर ले लो, तो उसका मल्टीपल हमने करना है, उसका टेबल, ठीक है। नेक्स्ट ईच नंबर, कहता मल्टीपल मीन्स द टेबल ऑफ गिवन नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे देखो एग्जांपल कैसे दी है, सिक्स का है, सिक्स है ना, हमने लिया सिक्स का मल्टीपल, तो सिक्स का टेबल हमने लिया। उसने हमें पूछा था फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ सिक्स, तो सिक्स का टेबल लिया। आ गया ना फर्स्ट रूल आपका, मल्टीपल मीन्स द टेबल ऑफ गिवन नंबर। सेकेंड क्या है, ईच नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। हर नंबर जो है वो अपने आप में एक मल्टीपल है। ईच नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। तो इसका मैंने क्या किया है, जैसे सिक्स को हमने वन से किया है, तो इसका हमने क्या किया है, सिक्स को वन से मल्टीप्लाई किया तो सिक्स आ गया। ईच मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर। कहता है ईच मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर कि इसका मल्टीपल, जैसे सिक्स का मल्टीपल किया है, कहते हैं ईच नंबर ऑफ गिवन नंबर, कोई भी नंबर लिया, चाहे दो ले लिया या चार ले लिया या छह ले लिया, तो वो जो है उसका मल्टीपल उससे ज्यादा आएगा, या इसके इक्वल आएगा या उससे ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। फैक्टर में क्या किया था हमने, ईच फैक्टर ऑफ गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, ठीक है, वो लेस था। इसमें क्या है, मल्टीपल में हमने ईच मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन, दो नंबर से ज्यादा है या इक्वल है। अब छह का टेबल देखो, सिक्स आ रहे, सिक्स वन आर सिक्स, सिक्स टू आर ट्वेल्व, सिक्स थ्री आर एटीन, ये सारे ए सिक्स से ज्यादा है या सिक्स के इक्वल है, ये वाला, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर आर अनकाउंटेबल। कहते इसकी कोई गिनती नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाता है, लास्ट, नो लिमिट। नंबर ऑफ मल्टीपल किसकी के भी हम करें, सिक्स इंटू हंड्रेड, उसने तो हमें पूछा था, हमने एग्जाम्पल दे दिया फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ सिक्स, तो हमने फाइव तक मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर अनकाउंटेबल, कहता है ये अनकाउंटेबल है, इसकी काउंटिंग नहीं हो सकती है, ठीक है, समझ आ गया आपको ये। नेक्स्ट क्या है, इसमें हमने क्या करना है, किसी के भी, आपका सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ फाइव, फाइव के मल्टीपल कैसे होंगे, फाइव का टेबल, हमने फर्स्ट फाइव देनी है, ये कर लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट जो है, फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ, ये देखिए फर्स्ट फाइव मल्टीपल, कहते हैं ए क्या है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, फर्स्ट फाइव मल्टीपल, फर्स्ट फाइव मल्टीपल कौन से हुए, फाइव वन्स आर फाइव, फाइव टूज आर टेन, फाइव थ्रीज आर फिफ्टीन, फाइव फोर्स आर ट्वेंटी, फाइव फाइव्स आर 25, ये आ गया हमारा आंसर। ये देखो उसने फर्स्ट फाइव मल्टीपल बोला है, तो वी कैन से द आंसर क्या देंगे हम, सो फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स आर, कौन कौन से हुए इसके, फाइव टेन फिफ्टीन, हमने रूल में क्या पढ़ा था, इससे ज्यादा होंगे या इसके इक्वल होंगे, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या है, मल्टीपल ऑफ एट, इसमें भी एट का टेबल करना है,
बी पार्ट। एट का हो गया, एट का क्या करेंगे, एट वन आर एट, एट टू आर सिक्सटीन, इसमें सारे टेबल ही है हमारे, एट थ्री आर ट्वेंटी फोर, एट फोर आर सॉरी एट फोर आर थर्टी टू, एट फाइव आर फोर्टी। सो फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स आर एट, कितने हो गए, सो फर्स्ट वही लाइन यूज करनी है आपने, फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स, कौन कौन से हो गए, एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी टू और फोर्टी। ठीक है, समझ आ गया हमने इसका, बस आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए ये ध्यान देना है कि उसने पूछा क्या है हमसे। ठीक है, उसमें हमने उससे फैक्टर बोला था तो उस हिसाब से किया था हमने, और यहाँ पे क्या करना है नंबर्स। आगे क्या है, नाइन का टेबल। नेक्स्ट सी पार्ट कौन सा है, नाइन, नाइन मल्टीपल, नाइन वन आर नाइन, नाइन टू आर एटीन, नाइन थ्री आर ट्वेंटी सेवन, नाइन फोर आर थर्टी सिक्स, नाइन फाइव आर फोर्टी फाइव। सो फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ नाइन आर, फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ नाइन आर, ये आपने लिखना है वहां पे, नाइन एटीन ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स फोर्टी फाइव। ओके, ये आपके क्वेश्चन हो गया सेकेंड। लास्ट आगे क्या है, मैच द आइटम्स इन कॉलम वन द आइटम्स ऑफ कॉलम टू। यहाँ पे थर्टी फाइव ये किसका है, मल्टीपल ऑफ एट, मल्टीपल ऑफ सेवन, मल्टीपल ऑफ सेवेंटी। थर्टी फाइव कौन से टेबल में आता है, मल्टीपल ऑफ सेवन। बी क्या है, वन नंबर पे, और आगे क्या है ये देखिए, थर्ड क्वेश्चन का बी जो है वो फर्स्ट नंबर वन नंबर पे है, फिफ्टीन मल्टीपल ऑफ किसके है, थर्टी का, फैक्टर ऑफ थर्टी। आगे क्या है, सिक्सटीन, सिक्सटीन किसका है, मल्टीपल ऑफ एट। ट्वेंटी किसका है, फैक्टर ऑफ ट्वेंटी। ट्वेंटी फाइव किसका है, फैक्टर ऑफ फिफ्टी। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ऐसे वन टू थ्री फोर ये हो गए फाइव। इनका फर्स्ट का कौन सा है, पहले नंबर पे जो है वो थर्ड है, बी पार्ट पे जो क्या है वो फर्स्ट है, और सी पार्ट पे, सी पार्ट जो है वो आगे क्या है, डी पार्ट सॉरी डी पार्ट क्या है टू, और ई पार्ट क्या है फाइव, और एफ पार्ट जो है वो फोर नंबर है इसको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ नाइन अप टू हंड्रेड, नाइन अप टू हंड्रेड, और क्या है हंड्रेड तक, हंड्रेड नहीं बोला, नाइन अप टू हंड्रेड। हमने नाइन का टेबल, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को आपने समझना है, फर्स्ट ऑल फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ नाइन। पहले तो उसने हमें फर्स्ट फाइव पूछा था, अब इसमें क्या पूछा है, कहता नाइन के सारे मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ नाइन अप टू हंड्रेड आर कौन कौन से हो गए, नाइन का टेबल एटीन ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स फोर्टी फाइव फिफ्टी फोर, नेक्स्ट क्या है सिक्सटी थ्री
71 सॉरी, यहाँ पे हमने 9 का टेबल चलाना है, 81, 90 और 99। अप टू 100 बोला है तो हमने क्या करना है, मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, समझ आ गई। इसके बाद मैं आपको 3.2 के रूल्स के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।